केजरीवाल जी से मिल के आ रहे हैं या अभी जाएंगे मिलने? केजरीवाल तो दिल में रहते हैं, ए, 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 जी उनको मिलने की जरूरत नहीं होती। नहीं, अंदर ये अंदर यहाँ। अच्छा ये बात बताओ, जब आप एमपी हो गए तो सीएम हाउस के सामने से तो कभी निकले होंगे चंडीगढ़ से, और जब निकले होंगे तो आपने देखा होगा और कहा भी होगा एक दिन यहाँ जरूर आना है, ऐसा सोचा कभी? देखो, इच्छा, इरादा, मंजिल, अर्जन वाली चाहिए, मछली की आंख दिखनी चाहिए बस। सर एक बार नहीं, दस दस बार मैं उस घर के सामने गया, अकेला गाड़ी चला के, मुख्यमंत्री के घर के सामने गया मैं अकेला गाड़ी चला के, और मैंने देखा, मैंने कहा यहाँ आना है यार एक दिन, भगवंत यहाँ आना है यार। हाय शिद्दत। कई बार मुझे कुछ पंजाबी जो सिक्योरिटी वाले हैं वो भी मिल जाते थे, क्योंकि मैं फेमस तो था तो पहचानने में तो दिक्कत नहीं थी। तो मुझे जी मान साहब, मैंने कहा अंदर सफाई वगैरह ठीक रखना, मैं आ रहा हूँ। सर कॉन्फिडेंस है सर। हाँ जी, ये कॉन्फिडेंस और यही आपको, अब डरते रहो मैं यहाँ पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा वो, सर कॉन्फिडेंस है। आपको याद दिलाएं हमारा, हाँ ओवर नहीं, ओवर नहीं, देयर इज ए हेयर लाइन डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस एंड प्राउड एंड प्राउड प्राउड। अच्छा, मैं भी ये काम कर सकता हूं, दिस इज अ कॉन्फिडेंस, मैं भी ये काम कर सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस है। राइट सर, मैं ही ये काम कर सकता हूं, ये प्राउड है सर, ये अहंकार है, ये नहीं मैं भी कर सकता हूं। मैंने कहा मैं भी इस घर में आ सकता हूं, क्यों ठेका लिया उन्होंने, कौन भेजता है वहां, पब्लिक भेजती है। पाजी शाम को ये ठेके की बात ना किया करो, अच्छा नहीं लगता है। नहीं, पब्लिक भेजती है, पब्लिक भेजेगी तो आ जाए फिर, अब कहाँ गए? कहते भगवंत मान, वो एक था कोई पॉलिटिशियन हमारा, उसने मेरी फोटो देख ली, कोई पोस्टर छपा हुआ था ऐसे करके, उसने कहा आज मैंने भगवंत मान की हाथ जोड़े हुए फोटो देखी, मुझे बहुत हंसी आई कि ला ये भी इलेक्शन में खड़ा हो गया। फिर मैंने उसका जवाब दिया, मैंने कहा सर इलेक्शन तक आप मेरी फोटो देख के हंस सकते हो, बाद में सारी जिंदगी मेरी फोटो देख के रोओगे। नहीं बाजी, बहुत आज रो रहे हैं सर, वो सारे लोग बहुत खुश हैं। एक चीज बताइए बाजी, अब वो कुछ बात ये थी कि केजरीवाल साहब को जमानत मिली है, अभी बरी नहीं हुई, मुकदमा तो है ही है, तो आप कैसे ले रहे हैं इस चीज को? यानी ये स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक है, ये कैसा है? आप तो बड़ा आज बता रहे हैं ना सर, पता है इस्तीफा दे देने का उन्होंने कह दिया, मैं दे दूंगा, तो इसको कैसे ले रहे हैं इस्तीफे को? सर सर हम कौन लोग हैं, हम कौन लोग हैं, सबसे पहले हिस्ट्री तो पढ़ो हमारी। मैं कलाकार था जी सर, अरविंद केजरीवाल एक इनकम टैक्स का कमिश्नर था, राइट सर, मनीष सिसोदिया जी टेलीविजन में जर्नलिस्ट, बड़े पत्रकार थे, गोपाल राय अपना काम कर रहा था जी सर, मेरी सारी जो टीम है वो कोई वकील था कोई, हम कहां थे सर पॉलिटिशियन, हमें क्या आने की जरूरत थी, इनके साथ पंगा लेने की जरूरत क्या थी हमें? तो पंगा क्यों ले लिया बताता हूं। हाँ जी, आज आप लोगों को भी बड़ा मजा आ रहा है ना, और आप ही की वजह से चल रहा है, इंटरव्यू कुछ और होना था, यकीन मानिए ये पहुंच कहीं और गया है, अब ये पहुंच गया तो सिरे यही लगेगा जी सर। बताता हूं सर क्यों पंगा लिया जी, बताइए सर, छेड़ते रहे हमें, छेड़ते रहे, सड़क पे बैठ के कानून नहीं बनेंगे, चुन के आई, सड़क पे बैठ के कानून नहीं बनेंगे, चुन के आई, हमने पार्टी बना ली सर, हम तो चुन के आ गए वो रह गए। अब मैं उनको कहता हूं चुन के आई। राज्यसभा से क्यों आ रहे हो, चुन के आई ना, लोकसभा से आई ना, ठीक है ना। तो सर इनो अगर जी अच्छे निकल आते, हमें दिक्कत थी कोई, लोकपाल का बिल ले आते, हमें दिक्कत थी कोई,
अभी राहुल गांधी वही राहुल गांधी है जब वो जहां दिल्ली में क्या नाम है इंडिया गेट पे वो लड़की का केस हुआ जब निर्भया तो राहुल गांधी की सरकार थी। हाँ सर। तो क्या राहुल गांधी आके कह नहीं सकता था कि मैं फांसी करवाऊंगा? फांसी तो बाद में हुई भी ना उनको, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं थी। हम कहते थे यार कम ऑन यार, फिर ऐसा करते हैं चलो यार हम ही आते हैं राजनीति में। सर अगर गटर साफ करना है तो गटर के बीच बढ़ना पड़ेगा, अगर फसल को सुंडी लग गई तो आप बाहर से शोर मचा के जा रोड़े कंकर मार के उस सुंडी को हटा नहीं सकते, स्प्रे की ढोली अपने कंधे पे रख के अंदर घुसना पड़ेगा सर। तो हमने ये किया है सर, तो हम कर रहे हैं ना दो 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 स्टेटों में, दो स्टेटों में हमारी सरकार है। अब कहते हैं जी तो बहुत ही गंदे बंदे हैं जी, पहले हमें वो ही टीवी कहता था बड़े अच्छे बंदे हैं जी, जब हम इनकी कुर्सियां छीन ली ये तो बहुत ही गंदे बंदे हैं जी। हद है यार, सामने क्या कर दिया? क्या हमें ओथ नहीं लेनी आती? क्या हमें जीतना नहीं आता? नहीं जीतना बखूबी आता, नेशनल पार्टी बन गए। ओथ नहीं लेनी आती हमें? आती क्यों नहीं जी? हाँ जी अभी तो... भी लेंगे, अभी देखना दिल्ली में दोबारा ओथ लेंगे। हमने इनको दिखा दिया कि हमें ओथ लेनी आती है। मैं भगवंत मान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं दुनिया के साथ धोखा नहीं करूंगा, मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा। पाजी एक बात बताओ, आप मैं सब सुन रहा सब देख रहा आपका मन भी देख रहा, बड़े भोले आप, बड़ा अंदर के बहुत साफ आदमी, ये तो बात सच है, ऐसा साफ आदमी तो मैंने बहुत कम पॉलिटिक्स में देखा। सर मैं दिल का ही साफ हूं, दिमाग का नहीं। देखो साफ साफ कहते आप मुझे दिमाग से साफ मत कहे ना, भैया जी कहन मैं सुनता हूं। पाजी एक बात बताओ आप कि सच बताइए, आपने तीन बार चार बार आई थिंक फोर टाइम्स, ये लोग करेक्ट कर देंगे, हो सकता है थ्री, बड़ा नाराज नजर आ रहे हो कांग्रेस से राहुल से। नहीं मैं कांग्रेस से कब, मैं नहीं, नहीं सर उनकी अपनी पार्टी है। लेकिन वो कह रहे ना कि वो नहीं, नहीं सर वो नेशनल पार्टी है। आप भी नेशनल पार्टी है पाजी। लेकिन चलो हमारा संगठन अभी उतना बड़ा नहीं, लेकिन आपका वो हरियाणा में बन नहीं पाया इसलिए शायद नाराज हैं। नहीं कोई हमारी नाराजगी हरियाणा दिल्ली को लेके नहीं है, हम देश के बंदे हैं सर। पार्लियामेंट में डिबेट चल रही थी, मैं एमपी था, डिबेट चल रही थी, ये समाज ये है, ये समाज ये है, ये समाज ये नहीं है, ये समाज ये नहीं है। मैंने हाथ खड़ा किया, हाँ जी स्पीकर साहब, हाँ जी, कहते नहीं छोटी पार्टियों को टाइम नहीं मिलेगा। मैंने कहा यार छोटी पार्टियों को टाइम नहीं मिलेगा, मैंने कहा सर 30 सेकंड, तो थोड़ा चौंके स्पीकर साहब, 30 सेकंड? मैंने कहा हाँ सर, 30 सेकंड में क्या बोलोगे? मैंने कहा ठीक है सर 20 सेकंड। 20 सेकंड क्या बोलोगे? चलो आपका समय शुरू होता है अब। मैंने कहा सर मैं तो यही कहूंगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए।